поколение мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? तो हेलो एडिटर्स, मैं आ चुका हूँ एक और नई अमेजिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ वापस। और गाइज, आप प्रीव्यू में देख चुके हैं कि आपकी वीडियो एडिट होने के बाद कैसी होने वाली है। तो गाइज, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा इस तरह की वायरल हो रही हैं रील्स, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइज, लास्ट तक बने रहिएगा, आप भी इसी तरह की वीडियो एडिट कर पाएंगे। तो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो गाइज, सिंपली आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आना है और अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। गाइज, अलाइट मोशन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया है लाइट मोशन ऐप को, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, पहले पिछली वीडियो में भी डाला था और इस वीडियो में भी डाल दूंगा कि आप डाउनलोड कर लें। तो गाइज, सीधे आपको लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। गाइज, लाइट मोशन ऐप ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। आपकी वीडियो अगर लैंडस्केप में तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट है तो उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज, आपको अपनी वो क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको एडिट करनी है। गाइज, मैंने ये क्लिप सेलेक्ट करी है एडिट करने के लिए, आप देख सकते हैं गाइज, ये कुछ मेरी क्लिप होगी, मैं इसको एडिट आज करके दिखाऊंगा आपको। आपने देख भी लिया है प्रीव्यू में कि कैसी होगी, यही क्लिप है। तो गाइज, मैंने ये सिंपली यूट्यूब से डाउनलोड करी है। गाइज, जो क्लिप आपको अच्छी लगती हो आप वो क्लिप डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर आ जाना है और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ सर्च कर लेना है चैनल रिमैप। गाइज, आप चैनल रिमैप डालेंगे आपको आरजीबी मिल जाएगा, आपको चैनल रिमैप आरजीबी सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको अप्लाई कर लेना है। और गाइज, आप यहाँ देखेंगे आपको आरजीबीए दिखेगा, गाइज आपको आरजीजीए कर लेना है। गाइज, इसको करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल को गाइज फुल स्क्रीन पर अप्लाई कर दीजिएगा और कलर एंड फिल के ऑप्शन पे आ जाना आपको नीचे, और आपको ये आपको राइट हैंड साइड पे एकदम ये पिंक का ऑप्शन मिल जाएगा गाइज, पिंक कलर का आपको पिंक सेलेक्ट कर लेना है। गाइज, पिंक सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंस का ऑप्शन होगा और डिफरेंस पे क्लिक करके आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है। गाइज, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वापस इसी रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर आना है, ऐड इफेक्ट पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा कॉपी बैकग्राउंड। गाइज, कॉपी बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, आपको इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको वापस फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और गाइज आपको यहाँ सर्च कर लेना है गशियन ब्लर। तो गाइज आपको गशियन ब्लर मिल जाएगा, आपको गशियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेना है। गाइज, गशियन ब्लर को आप 500 तक कर लीजिएगा। गाइज, 500 भी कर सकते हैं, 520, 515, आप जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास रखिएगा। गाइज, आपको एड इफेक्ट पर फिर से क्लिक करना है और आपको सर्च कर लेना है यहाँ एक्सपोजर एंड गामा। गाइज, एक्सपोजर एंड गामा को भी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेना है। गाइज, एक्सपोजर इसको गाइज ध्यान से देखिएगा, आपको एक्सपोजर को गाइज -25 तक कर लेना है और गामा को गाइज आपको 890 तक कर लेना है, 885, 890 तक आपको कर लेना है इसको। उसके बाद गाइज ऑफसेट पे आना है आपको, ऑफसेट को आपको -14 तक कर लेना है। गाइज, -14 करने के बाद आपको सिंपली इसको बैक आ जाना है, आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करके गाइज आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन पे आना है, आपको वाइट कर लेना है इसको और उसके बाद रेक्टेंगल टू पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पर आना है, आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है और आप सिंपली यहाँ पर इधर आगे आएंगे आपको विविड लाइट का ऑप्शन मिलेगा। गाइज, आपको विविड लाइट पर क्लिक कर देना है। गाइज, विविड लाइट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, उसको फुल स्क्रीन पे अप्लाई करना है, उसका कलर गाइज आपको फिर से वाइट कर लेना है। उसके बाद आपको वापस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे सिंपली कॉन्ट्रास्ट पे आके इसको ओवरले कर देना है। गाइज, आपको सारी क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है और उसको फुल वीडियो पर अप्लाई कर देना है। तो गाइज, आप अब देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कुछ इस तरह की लगने लगेगी।
गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी पहले की वीडियो कैसी थी और अभी की वीडियो कैसी है। तो गाइज आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरह की थी पहले और अभी कुछ इस तरह की हो गई है। गाइज इस तरह की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो लानी चाहिए मुझे, इसलिए मैं लेके आया वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।